तो आज हम ये स्टडी करेंगे, कौन सी स्टडी करेंगे कि एंड टाइम के प्लेयर्स कौन है, जो एंड टाइम हो रहा है उसमें प्लेयर कितने हैं, राइट? ओके, तो पहले पहले हमें ये तो मालूम है कि शैतान क्या करता है, प्रभु की नकल करता है, राइट? बिल्कुल नकल करता है, राइट? क्योंकि हाँ, वो परमेश्वर की नकल करता है, तो हम कैसे ईश्वर को जानते हैं, राइट? कैसे ईश्वर है हमारे बाप, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रायुन गॉड, त्रिएक देव, राइट? तो शैतान ने भी उसकी नकल करने की कोशिश की है, राइट? तो पहला, एक तो शैतान खुद है, जिसके लिए क्या लिखा गया है रेवलेशन में, उसको क्या बोला जाता है, ड्रैगन, एंटी, वो एंटी क्राइस्ट नहीं है, वो शैतान है, राइट? और दूसरा कौन है, एंटी क्राइस्ट है, और तीसरा कौन है, फॉल्स प्रॉफिट, श्वापद जनक, राइट? राइट, तो जैसे ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा होते हैं, ऐसे उसने भी ट्रायन होने की कोशिश की है, कैसे, शैतान, शैतान पोते, राइट, और दूसरा है एंटी क्राइस्ट, अन्य झूठो प्रबोधक, तो स्वापद एटले त्रण थी गया, एंटी क्राइस्ट, ट्रिनिटी, ये लोगों पर ट्रिनिटी, कारण शू है कि शैतान हमेशा कॉपी करे, राइट? तो हमें एंड टाइम के लिए प्लेयर को समझना है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रैगन, जिसको स्वापद बोलते हैं गुजराती में, वो क्या करेगा, एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, और फॉल्स प्रॉफिट, झूठा प्रबोधक क्या करेगा, वो तीनों को देखने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर पिता क्या करते हैं, ईश्वर पुत्र क्या करते हैं, और ईश्वर पवित्र आत्मा क्या करते हैं, हमें मालूम है, राइट? तो एंड टाइम समझने के लिए ये तीन भी क्या करेंगे, वो जानना जरूरी है हमारे लिए, राइट? ओके, हवे एटले मेरा कहने का मतलब ये क्या है कि हमें जो एंड टाइम में कौन प्ले, हम तो है ही उस पिक्चर में, परमेश्वर भी है, लेकिन ये तीन भी है, वो उनको हमें समझने की कोशिश करना है कि वो क्या करेंगे और वो क्या करना चाहते हैं, राइट? और वो कहाँ है, राइट? अच्छा, तो हमें और भी दो, ये तो हम तीनों को समझा, लेकिन और भी लोग हैं इसके अंदर, पहली बात है फॉलन एंजल्स, राइट? ना, लूसीफर है, लूसीफर ने साथे बीजा दूतो है पण बड़वो करेलो, राइट? राइट, अच्छा, और तो फॉलन एंजल्स, फॉलन एंजल्स, हाँ ना, ल्यूसिफर ने साथे बीजा दूतों ने नाखी देवामां आव्या था, जो तमने याद हो तो, राइट? एटले हवे हवे एंटेक हवे एंड टाइम में आपणे तो पछी फॉलन एंजल्स शू करशे पण समझवानी जरूर छे, राइट? ऑलराइट, अच्छा, और उसके बाद जो दुष्ट आत्मा है वो क्या है, वो ना तो फॉलन एंजल है, ना तो लूसिफर है, ना तो एंटी क्राइस्ट है, ना तो फॉल्स प्रॉफिट है, वो चीज क्या है? तो इन सभी को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि इनको समझे बिना अगर हम एंड टाइम्स समझने की कोशिश करेंगे तो हमें चक्कर आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात?
ओके हाँ ના, એ લોકોની 3 ડિટી નથી, પણ એ લોકોનો પાર્ટ છે. જેમ કે આપણે વી આર નોટ પાર્ટ ઓફ ટ્રિનિટી, રાઈટ? ઈશ્વર પિતા પુત્ર પવિત્ર, પણ આપણે છીએ, રાઈટ? એન્ડ ટાઈમ ની અંદર આપણો રોલ છે, રાઈટ? તો એસે ઇન લોક કો ભી સમજને કી જરૂરત હૈ. ચલો પહેલે સમજતે કે ફોલન એન્જલ્સ કોન હૈ ઓર કહા કોન હૈ, વો તો હમ જાનતે હૈ. क्योंकि जब लूसिफर ने बोला कि मैं मेरा आसन परमेश्वर के आसन से बड़ा करूंगा, राइट? वो किसको बोल रहा था? कोई तो सुन रहा था, राइट? वो पागल नहीं था क्या? अकेले अकेले कि ना 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 परमेश्वर खुद ही मालूम किया नहीं, दूसरे एंजल्स को बता रहा था, क्योंकि बाइबल बहुत क्लियर है. उसने दूसरे एंजल्स को भमाया था, डिसीव किया था, राइट? सो लेट अस रीड एफिशिएंस 6:12. एफिशिएंस 6:12. क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लोगों और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. अच्छा, तो ये जो फॉलन एंजल्स है वो कहाँ पर है? आकाश में. तो हम लोग ये समझते हैं, राइट? तो इन लोग को एक्सेस है, इन लोग को एक्सेस आकाश का है और इन लोग को एक्सेस है पृथ्वी का, राइट? लेकिन जो हम ये हमारी जो समझ अगर ऐसी है कि जो फॉलन एंजल्स है वो जमीन के अंदर है, तो वो गलत है. क्योंकि फॉलन एंजल्स कहाँ है? आकाश में. अच्छा, अभी एक बात मेरी ध्यान से सुनना. अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ पोर्नोग्राफी का, राइट? जो पोर्नोग्राफी की जो इंटरनेट पे चलती है, पोर्नोग्राफी का जो मूवीज चलते हैं, वो ट्रांसमिट कहाँ से होता है? उसका वेव्स होता है, राइट? उस ना नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो. आकाश में आकाश में आकाश के अंदर उनके जो वेव्स होते हैं वो प्रसार होते हैं, राइट? और तरंगों, राइट? तो उसका कंट्रोल कौन करता है आकाश का? वो उनके उन शैतान के जो फॉलन एंजल्स है वो. तो अब आप समझ रहे हैं ना, वायुनी सत्तानो अधिकार. એટલે એ લોકો કંટ્રોલ કરે છે કે આપણું માઇન્ડ કેવી રીતે ભ્રષ્ટ થાય. આપ સમજ રહ્યા કે નહીં? અચ્છા, એફેસીનો પત્ર બીજો દે, પહેલી કલમ વાંચો. રાઈટ. और उसने तुम्हें भी दिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे. अच्छा, और दो भी, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है. राइट. तो अंग्रेजी में क्या लिखा है? द प्रिंस ऑफ पावर ऑफ द एयर, राइट? प्रिंस द पावर ऑफ द एयर. जो हवा जो 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 जमीन पे नहीं है, जो आकाश में है. तो इसीलिए जैसे रेबेका सिस्टर आपको ये विचार आ रहा था, राइट, कि मैं नहीं देख सकती, राइट? क्यों? क्योंकि वो हवा में कौन होता है? ये पावर्स ऑफ द डार्कनेस होते हैं. आप समझ रहे हैं ना कि हमारे दुश्मन को समझने की जरूरत है हमें, राइट? अच्छा, रेवेलेशन 12:7-9 को ही पढ़ो. लोग
फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। 9 तक। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अच्छा, तो एक समय में ये हम देखेंगे ये कब होने वाला है, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी अभी उनको एक्सेस है, वो आकाश में जा सकते हैं, पृथ्वी पर आ सकते हैं, लेकिन एक बार ऐसी लड़ाई होने वाली है जब शैतान को और उसके दूत को फॉलन एंजल्स को आकाश में से उनका क्या हुए एक्सेस लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, वो आकाश में नहीं जा पाएंगे, वो सिर्फ पृथ्वी पर ही घूमते रहेंगे, ऐसा होने वाला है। लेकिन राइट नाउ पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, राइट तो मतलब मैं पृथ्वी पर तो वो अभी भी घूमते हैं, लेकिन उस टाइम अगर वो स्वर्ग में है तो उन लोग को डाल दिया जाएगा क्योंकि उनका एक्सेस स्वर्ग में से चला जाएगा, दे कैन नॉट एंटर अगेन इनटू स्काई। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये क्यों मैं पढ़ने को कहा, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि ये फॉलन एंजल्स का एरिया कौन सा है, वो आकाश भी है और वो यहां भी आते हैं, राइट राइट। बारमो अध्याय 7-8-9। अच्छा, अयुब ना पुस्तक ना पहला अध्याय ने छठी कलम में शू कह छे, राइट 1-6। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया, राइट तो शैतान जो है ना वो उसको कुछ टाइम के लिए परमेश्वर की पास जाने के लिए वो एक्सेस दिया गया है, क्योंकि वो क्या करता है, ही इज एक्यूजर, राइट, वो एक्यूज करता है अयुब के लिए, वो नहीं डरता है लेकिन वो जाके एक्यूज करता है, दोष लगा रहे छे, दोष कर रहे छे, राइट। तो मेरा कहना ये मैंने क्यों पढ़ने को कहा, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि उन लोग को ये सब पृथ्वी पे ही डाल दिया है, वो एक समय आएगा, लेकिन अब राइट नाउ फॉलन एंजल्स और डेविल कैन हैव एक्सेस टू स्काई एंड अर्थ, राइट। ओके, તમે છે ને હમણાં નામો જવા દો, હું તમને પછી કહીશ, કારણ કે એ નામો ફરી આવવાના છે, કારણ કે એ કલમનો આપણે ઉપયોગ કરવાના છીએ, અત્યારે મારો પોઈન્ટ એટલો છે, હા, તો એને શેતાન પણ કહે છે, એને ઓલ્ડ સરપન્ટ પણ કહે છે, ઓલ્ડ સરપન્ટ અથવા એને ડ્રેગન પણ કહે છે, એને જૂન ઘરડો અજગર કે છે, શ્વાપદ કે છે, લિવ્યાથાન, એ એટલે એના વિશે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું, પણ એ એક નકલ કરવાની કોશિશ કરે છે ત્રિએક ઈશ્વરની, રાઈટ। तो आपने समझ गया कि शैतान हतो ने शैतानी साथे बीजा कौन था, फॉलन एंजल्स था, राइट। आपने एंटाइक्राइस्ट वैसे जोवाना चाहिए, पतित दूतो, थैंक यू जेसी बेन, पतित दूतो, बराबर। तो आपने एना वैसे जोईशु, एंटाइक्राइस्ट वैसे पण जोईशु, अने आपने जूठा प्रबोधक वैसे पण जोईशु, पण एक बीजू जे बाबत छे ए चूकी जाय छे, दुष्ट आत्माओ कोण छे, તેઓ ન તો ફોલન એન્જલ છે ન તો શેતાન છે,
तो ये छे कौन? ओके अच्छा ओके तो आत्मा वो कहते हैं कि वो झूठा प्रभु था, उनको सब पता है नहीं तो है ना। चलो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जेनेसिस 6 1-4। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, तो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उसके इसके पश्चात सब जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है तो निरंतर बुरा ही होता है। अच्छा तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, राइट। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मुझे पूरी समझ है, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉलन एंजल्स थे, राइट। अभी फॉलन एंजल्स को अभी शैतान ने शैतान को ये मालूम था, प्रभु ने बोला था कि द सीड ऑफ वुमन विल क्रश योर हेड, राइट। उसको मालूम था, तो वो हमेशा कोशिश करता था कि कौन है वो, उसे पता नहीं चलता था। तो जब उसने देखा कि काइन और आबेल वो अपना अपना बलिदान लेके आए, तो परमेश्वर ने आबेल को मान्य किया, राइट। तो शैतान ने क्या सोचा कि एब्सोल्युटली तो जो सीड आएगा जो अब मुझे मारेगा वो काइन में से तो नहीं आएगा, वो आएगा एबल से, क्योंकि एबल को परमेश्वर ने मान्य किया है, तो मुझे एबल को मार देना है। तो उसने काइन को डिसीव किया और काइन ने एबल को मार दिया, राइट। लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था, सो तब से लेके वो कोशिश कर रहा था कि कैसे मारे। तो फिर उसने क्या किया, जो फॉलन एंजल्स थे ना, उन लोगों ने आके सभी पृथ्वी की जो लड़कियां थी उनसे शारीरिक संबंध किया, राइट। क्योंकि वो सभी सभी अगर भ्रष्ट हो जाते हैं तो फिर उसको मारने वाला तो कोई नहीं रहेगा, राइट। तो उसके उनके जो बच्चे पैदा हुए, ये ट्रांसलेशन में लिखा है वो शूरवीर और सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, लेकिन वो फॉलन एंजल्स है अगर आप हिब्रू में पढ़ेंगे तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो ऐसा यूनियन था, क्योंकि हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं वो मेल और फीमेल से पैदा होते हैं, राइट। लेकिन ये जो बच्चे पैदा हुए थे वो दे वर जायंट्स, राइट। और देवर जायंट्स और वो फॉलन एंजल्स और मनुष्य जो लड़कियां थी वो ह्यूमंस थे, राइट। उनसे वो बच्चे पैदा हुए। तो परमेश्वर ने क्या किया, जब वो पैदा हुआ तो परमेश्वर ने दो काम किया। परमेश्वर ने फ्लड लाया, राइट, और फ्लड के अंदर वो सब मर गए। अभी वो मर गए, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 Peter 2:4-5 पढ़ो, बीजो पितर बीजो अध्याय 4-5। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। एक मिनट रुकना यहाँ पर, एक मिनट यहाँ रुकना। 4 में क्या लिखा है, तो फॉलन एंजल्स जो हम देखते हैं कि जो आकाश में है और जो पृथ्वी पर आएंगे, तो ये कौन है, राइट। तो ये जो फॉलन एंजल्स है जिन्होंने आके जेनेसिस में हमने पढ़ा कि ह्यूमन जो लड़कियां थी उनसे संबंध करके बच्चे पैदा किए, वो जितने भी थे
उन लोगों को यहाँ लिखा है परमेश्वर ने चेन लगा के डार्कनेस में बंद कर दिया है। आप समझ रहे कि नहीं? तो फॉलन एंजल्स में दो फॉलन एंजल्स हैं, एक फॉलन एंजल्स है जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए हैं, और एक फॉलन एंजल्स है जिन्होंने जेनेसिस 6 में जो हमने पढ़ा वो काम किया राइट। तो जिन्होंने जेनेसिस 6 में जो राक्षस पैदा किए, मतलब में उन फॉलन एंजल्स को परमेश्वर ने बांध के हेल के अंदर बांध दिया, राइट। अच्छा, 5 अगर पढ़ो। फिर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बाकी रहें, और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। अच्छा, तो परमेश्वर ने एक जनरेशन बचा लिया नोआ को, राइट, लेकिन जो सब जो पैदा हुए थे उन लोग को मार दिया। अभी समझने की ध्यान से सुना, तो जो एंजल्स ये थे जिन्होंने बच्चे पैदा किए वो तो परमेश्वर ने बांध दिए, जो लड़कियां थी वो भी मर गई, वो देवर ह्यूमंस, राइट, लेकिन जो बच्चे पैदा हुए थे वो मर गए, उनकी बाड़ी चली गई, अभी वो कहां गए? तो वो है दुष्ट आत्मा, दे आर नॉट द फॉलन एंजल्स बट दे आर टोटली डिफरेंट थिंग, दे आर फॉलन एंजल्स, दे आर इविल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्माओं को क्या हुआ, जब जल प्रलय आया तो उनकी बाड़ी चली गई, तो विदाउट बाड़ी दे कैन नॉट परफॉर्म। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने जो गेनेसारेत में जिसके अंदर सेना थी, लीजियंस थे, उसको निकाला तो वो क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उनको बाड़ी चाहिए, विदाउट बाड़ी दे कैन नॉट फंक्शन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये लोगों ने शरीर जो विदाउट शरीर, विदाउट बाड़ी दे कैन नॉट फंक्शन। तो आपने जेने दुष्ट आत्मा कहे छे, जेने आपने डीमन कहे छे, जेने आपने अशुद्ध आत्मा कहे छे, हु आर दे? दे आर द स्पिरिट्स और वॉट एवर इट इज दे हाँ दे इट प्रभु नहीं, शैतान फॉलन एंजल्स नहीं है, लेकिन जो बच्चे पैदा हुए थे, राइट, नफिलिम, अंग्रेजी में अगर आप पढ़ते हैं तो उसको नफिलिम बोलते हैं, राइट, तो वो है दुष्ट आत्मा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ओके, किसी को सवाल है कुछ? जैसे भी 10 वागी गया हमारा आटला माज। हाँ, आ प्रश्न नफिलिम नो तो घनी बार बच्चा प्रश्न पूछ करे थे, पर इनो जवाब तो मैं आपके आगे। ओके, तो आती वक्त है, तो हमने शब्द तो जानते हैं, हमने फॉलन एंजल्स के लिए सुना, हमने नफिलिम के लिए सुना, अब हम नेक्स्ट टाइम क्या देखेंगे? एंटी क्राइस्ट के लिए, राइट, नफिलिम के नफी, नफिलिम अंग्रेजी में नफिलिम, जेने बालको पैदा नहीं करे एने नफिलिम कहवाई।